हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ एक रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन आपको लेकर क्या सोचता है, क्या देखता है वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में। व्हाट्स लाइक नॉट इन द सेंस कि फ्यूचर क्या देख रहा है, लेकिन उसको आप में क्या अच्छा लगता है या क्या डायनामिक है उसके एंड से आपकी तरफ इस रिलेशनशिप को लेकर, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। और या स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या चलता है पर्सन के माइंड में आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। शायद आपका नया कनेक्शन है, शायद पुराना कनेक्शन है, लेकिन पर्सन क्या चाहता है इस रिलेशनशिप से, क्या चलता है उसके माइंड में आपको लेकर, क्या देखता है वो इस रिलेशनशिप में, क्या चाहता है इस रिलेशनशिप में। लेट्स फाइंड आउट। ओके, वाओ, जबरदस्त। तो मुझे लगता है कि जो आपका स्पेसिफिक समवन है राइट नाउ, जिससे आप करंटली डील कर रहे हो, ये आपके साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहता है। मुझे लगता है कि आपका अगर कनेक्शन नया है तो डेफिनेटली पर्सन आपके साथ इंटीमेट होना चाहता है। बहुत क्लियर एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन इनकी इंटीमेसी में सिर्फ इनको एक जैसे होता है ना कि कुछ लोगों में सिर्फ एक ही डिज़ायर होती है कि हाँ, लस्टफुल नज़रों से देखना, लस्टफुल चीज़ों को लेकर चलना। आपके पर्सन इंटीमेट होना चाहते हैं, बट दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू एज वेल। मुझे लगता है कि वो रिलेशनशिप में आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उनका दिल करता है कि ऐसा अगर होता नहीं भी है तो भी मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन का आपसे अपसेट हो जाएंगे या उनके उनका आपके अंदर से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। नो, मुझे लगता है कि पर्सन चाहता है कि आप दोनों कुछ स्पेशल टाइम इकट्ठे स्पेंड करो, जिसमें नॉट दैट दे वॉन्ट टू स्टे इन अ रूम या कुछ इस तरह से करके, बस एक एक उस लिमिट तक ही वो पर्सन सोच रहा है। दे वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू इन टर्म्स ऑफ कि वो शायद आपके साथ कोई वेकेशन पे ट्रैवल करके जाना चाहते हैं ताकि वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। सो उस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की लग रही है मुझे। वो चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप का ट्रू पोटेंशियल देखें, अंडरस्टैंड करें। वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं या इंटरेस्टेड हैं, बट एट द सेम टाइम वो आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं जिसपे रोमांस भी स्टेबल हो। वो ये नहीं चाहते कि अभी आपके साथ हैं कल किसी और के साथ हो जाएंगे। सो उनकी इंटेंशन आपको लेकर काफ़ी प्योर दिख रही है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है, इट सीम्स लाइक कि ये आपके साथ जो भी ये करंट पर्सन जिसकी भी एनर्जीज यहाँ पे आई हैं, दिस इज़ रियली ब्यूटिफुल, क्योंकि ये मच्योरली चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, रिलेशनशिप से भागना नहीं चाहते, इमोशन से भागना नहीं चाहते। सो इट सीम्स लाइक कि पर्सन मच्योरली एक्सेप्ट करेगा अपनी फीलिंग्स, एक्सप्रेस करेगा अपनी फीलिंग्स, और इनकी लव लैंग्वेज भी लविंग वर्ड्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स से आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा राइट नाउ। तो डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ ओपन अप है अपनी फीलिंग्स को लेकर, और ये डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आगे लेके जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इस इंसान के माइंड में कोई भी ऐसी थॉट है या कोई भी ऐसा हो सकता है कि आप राइट नाउ कम्प्लीटली सिंगल हो, ये पर्सन अभी आपकी ज़िंदगी में आने वाला हो, और अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो और आपका पर्सन इस तरह की एनर्जी से नहीं मैच कर रहा है, तो चांसेस हैं कि आपका वो पर्सन है जिससे आपकी शादी होनी है या फिर जो आपकी ज़िंदगी में अभी आना है, क्योंकि इसकी एनर्जीज ये रन अवे नहीं कर रहा। ये इसको सिर्फ फिजिकल प्लेजर नहीं चाहिए, दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स यू, क्योंकि उसको आप में अपना लाइफ पार्टनर दिखता है। तो डेफिनेटली ये पर्सन एक ऐसा पर्सन नहीं है जो कि टाइम वेस्ट करेगा आपका, और मुझे लगता है कि दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू विटनेस ईच अदर्स लाइफ टुगेदर। तो इट डेफिनेटली इज नॉट, अगेन, हॉलीडे का कार्ड है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपके साथ अपनी जिंदगी बसाना चाहते हैं। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन हो सकता है कि अगर ये करंट पर्सन है भी, अगर उसकी एनर्जी है ये, तो ट्रस्ट मी, मिरेक्युलसली कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी जो कि आपके पर्सन को इस एनर्जी में लेकर आ जाएगी।
हो सकता है कि वो शादी के लिए कमिटमेंट के लिए ओपन अप कर जाए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दे, क्योंकि ये पर्सन इस रिलेशनशिप से ये चाह रहा है. और मुझे नहीं लग रहा है कि पर्सन हाइड कर रहा है या चाहता नहीं है फिलहाल आपसे शेयर करना कि मैं ये चाह रहा हूँ इस रिलेशनशिप से. ये जो भी पर्सन है ये बहुत ओपनली एक्सप्रेसिव है कि दिस इज़ वट दे आर लुकिंग फॉर, और इसीलिए उनको कोई डर खौफ नहीं है, वो मेच्योरली हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को. तो मुझे लगता है कि ये पर्सन, या तो अगर आप राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट में हो तो ये पर्सन आपके पास आने वाला है, आपको प्रपोज करेगा, लाइफ पार्टनर बनाना चाहेगा आपको अपना, और आपके साथ हॉलीडे प्लान करेगा, कोई ट्रिप प्लान करेगा जहां पर आप एक दूसरे के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, शादी भी हो सकती है आपकी इस इंसान के साथ, क्योंकि ये पर्सन अपनी जिंदगी आपके साथ जीना चाहता है. दे डोंट वॉन्ट टू बी लाइक के कुछ टाइम के लिए साथ हुए और फिर उसके बाद गायब हो गए, ऐसा नहीं चाह रहा है ये पर्सन. ये एक सॉलिड स्टेबल रिलेशनशिप चाह रहा है, जबकि बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशली वेल ऑफ भी है, इसको फाइनेंशियली भी कोई इश्यूज नहीं है, और ना ही ये आपसे टाइम अपार्ट लेना चाहेगा. ये पर्सन बहुत ज़्यादा विलिंग है टू हैव अ लाइफ पार्टनर, तो लाइफ पार्टनर से कम तो ये कुछ देख ही नहीं रहा. सो जो भी स्पेसिफिक समवन है, आई डोंट नो अगर आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक समवन है जो ऐसा है, तो मुझे लगता है कि या जो ऐसा था और फिलहाल नहीं है, चाहे वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर टाइम अपार्ट चल रहा है या फिर सेपरेशन चल रही है आपकी, मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को लेकर इस फ्यूचर के प्लान के साथ ही वापस आपके पास आ रहे हैं बहुत जल्द, क्योंकि जो भी स्पेसिफिक समवन है ये बहुत ही ज़्यादा विलिंग है आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए. लेट्स सी कि करंट, बल्कि करंट देखने से पहले और चीज़ें देखते हैं. होल्ड ऑन, लेट्स सी कि जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसकी भी एनर्जी आई है, व्हाट आर दे अप टू राइट नाउ. आपको लेकर तो ये डेफिनेटली ये सब चाह रहे हैं, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ में व्हाट्सअप इन दे पर्सनल लाइफ राइट नाउ. आपसे मिल चुके हैं, कौन है ये पर्सन, किसकी खूबसूरत एनर्जी आ रही है आपकी ज़िंदगी में. लेट्स सी, कोर्ट हाउस, अनएक्सपेक्टेड इनकम, ओके, थीफ. On either deck, we do have the expectations. आप में से मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि आप जिस तरह का पर्सन चाह रहे हो ना, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, ये पर्सन बिल्कुल वैसा होगा जैसा आप चाहते हो. बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को अलाउ करने के लिए आपको किसी ऐसे पर्सन से अपनी जिंदगी से भगाना है जो कि शायद आपको ड्रामों में उलझाए रखता है. सो कहीं ना कहीं ये वो पर्सन है जिससे आपकी शादी होगी. ये मुझे करंट पर्सन अगर आपका ऐसा है जो बहुत लविंग है, या फिर अगर आप डिस्टेंट हो, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, तो चांसेस हैं कि वही पर्सन बदल कर आपकी ज़िंदगी में आए, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो पूरा हो जाए. लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन है जो कि हमेशा आपके आपको लगता है आपका टाइम वेस्ट करता है और आपकी आपकी ज़िंदगी में सिर्फ नेगेटिविटी लेकर आता है, और शायद सिर्फ और सिर्फ आपकी आप में से कुछ लोगों के लिए, एक सेकेंड, आप में से कुछ लोगों के लिए हार्डली एक या दो लोगों के लिए कहूंगी कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपसे शादी करना चाहता है, आपसे ओपन अप करना चाहता है, आपके साथ अपना रिश्ता बनाना चाहता है. रीज़न बिहाइंड हो सकता है कि ये आपके फाइनेंसेस के लिए आपके पीछे हो, आप में से कुछ लोगों के लिए, और आपको प्यार कर रहा है, आपको चाह रहा है, आपके साथ फीलिंग्स हैं, आपसे शादी करना चाहता है, उसका रीज़न बिहाइंड पैसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए. मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन वुड देमसेल्फ बी वेरी रिच, लेकिन क्योंकि थीफ का कार्ड आया है तो हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते. आप में से एक दो लोग होंगे जहां पर ये पर्सन स्ट्रांग नहीं होगा, और स्पेशली अगर आप फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग हो और कोई मेल आपकी ज़िंदगी में आता है, तो मुझे लगता है कि चांसेस हैं कि द मेल वुड बी स्पेशली अगर मेल जो है नॉट यंगर बट इंडिपेंडेंट नहीं है, तो चांसेस हैं कि वो इतना ज़्यादा आपके अंदर इसलिए इन्वॉल्व हो रहा है कि बिहाइंड द कर्टन उसका कोई और एजेंडा है, वो आपसे पैसे की वजह से आपसे ज़्यादा अटैच हो रहा है. स्पेशली अगर कोई मेल के साथ आप डील कर रहे हो और आप मेन फीमेल हो कनेक्शन के अंदर, बट
अदरवाइज मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए लविंग कनेक्शन है, रेड फ्लैग है यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत बड़ा रेड फ्लैग है यहाँ पर। अगर ऐसा ये पर्सन है और आपसे बहुत ज़्यादा लविंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहा है, फाइनेंशली दे आर नॉट स्टेबल, देन मुझे लगता है कि ये पर्सन, हाँ, इसका हिडन एजेंडा है आपके, आपको लेकर, स्पेशली अगर आप फाइनेंशली बहुत स्ट्रांग हो इस पर्सन से कनेक्ट कंपेरेटिवली। बट मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन एग्जैक्टली वैसा है जैसा आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे, और वैसा ही पर्सन मैनिफेस्ट होकर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। लेट्स सी कि इसकी ट्रू करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ये तो हो गया ना कि क्या चाह रहा है क्या नहीं, उसकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर राइट नाउ। लेट्स सी करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन, इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, इस पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, या आपसे इन टच है, आउट ऑफ टच है, व्हाट्स द सिनेरियो। Is he or she already a part of your life? एक सेकेंड, वाओ, ड्रामेटिक टर्न लिया इस रीडिंग ने, बाय द वे। एक सेकेंड, लेट्स टेक सम क्लैरिफायर्स। पहला क्लैरिफायर लेंगे इस इंसान के बारे में कि क्या ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप जानते हो ऑलरेडी। डू यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन? चांसेस आर वेरी स्ट्रांग कि आप इसे जानते हो। टाइम अपार्ट हो सकता है आप दोनों के दरमियान में राइट नाउ। Do they have any hidden agenda? Agenda. Let's see. Hidden agenda kya hai? Financially, yes. Financial stability aapki chahiye is insaan ko. Aap mein se kuch logon ke liye. What do they want if it's a new person? I feel like if a new person here, so this is definitely, if it's a new person, so chances are that the relationship will go smoothly and person is going to be richer than you, and person ho sakta hai, lawyer ho ya iska law firm ho, ya aapko kisi bhi law case mein help kare. But एक सेकेंड, होल्ड ऑन, लेट मी पिक द कार्ड अप। सिक्स ऑफ सोड्स, वाओ, एक सेकेंड, लेट मी पिक द कार्ड अप। इंटरेस्टिंग। आप ऐसे लाइक ए सर अर्लियर, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन अभी आपकी जिंदगी में आना है। लेट्स टेक वन क्लैरिफायर फॉर द थीफ कार्ड। ओके। मुझे वो कभी खुशी कभी गम में काजल का सीन याद आ गया। वाओ, लाइक व्हाट अ ड्रामेटिक टर्न इट हैज टेकन। सो गुड न्यूज़ है कि पर्सन नेगेटिव नहीं है, लेकिन आपका फियर बहुत ज़्यादा होगा कि पर्सन इतना अच्छा कैसे है। और ये रीडिंग अभी मैंने एक पहले भी की है, आज आई थिंक दो रीडिंग्स ऐसी की हैं जिसमें ऐसे डाउटफुल थाट्स आए हैं। बट मुझे लगता है कि रिलेशनशिप आपका
एक या दो लोगों के लिए चांसेस हो सकते हैं कि स्पेशली अगर आप फेमिनिन हो और रिचर देन दिस पर्सन हो, तो चांसेस हैं कि आपके पैसे पैसा वुड बी हिडन एजेंडा. बट फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू चांसेस आर कि पर्सन जो है खुद बहुत रिच और सक्सेसफुल हो और आपको अप्रोच करें. एक चीज़ में मुझे वो काजल वाली बात मैं कर रही थी, कभी खुशी कभी गम में, आई रिमेम्बर देर वॉज दिस सीन जहाँ पर काजल उसको लगता है कि शाहरुख खान की इंटेंशन कुछ और है इस उसके साथ चिपकने की, या उसको उसके बार 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 उसके सामने आने की, या ही हैज़ सम हिडन एजेंडा. वो उसकी हलवाई की जो दुकान होती है वो हड़पना चाहता है एंड ऑल दैट. तो मुझे लगता है कि आपको भी शायद इस इंसान से पहले ऐसी वाइब आएगी, आपको लगेगा कि शायद ये आपके पैसों की वजह से आपके साथ है, बट ये आपसे बहुत ज़्यादा फाइनेंशली सिक्योर होगा और आपको शायद नहीं पता होगा, बट दे विल बी फाइनेंशली मोर सिक्योर एंड स्टेबल देन यू. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप थोड़ा अनश्योर हो गए इस इंसान को लेकर, लेकिन दिस पर्सन इज़ गोना बी लाइक दिस पर्सन विल बी आपकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा अमीर होगा ये पर्सन. सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हाँ दे आर समबडी न्यू फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू, और जो आपका रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ वो बहुत स्पेशल होगा. और मुझे लगता है कि जितना स्पेशल होगा इसीलिए आपको ज़्यादा डाउट्स होंगे. आपके पास एक्सपीरियंसेस के बाद जब कुछ अच्छा हो रहा है तो आपको डाउट डेफिनेटली होगा. सो जो काजल वाली बात की मैंने, वो आपको इसलिए लग रहा है लगेगा कि इसकी इंटेंशन कुछ ऐसी है, जबकि दे हैव देयर ओन वेल्थ. मुझे नहीं लगता कि इसको आपके पैसे की ज़रूरत है. या अगर आप जॉब कर रहे हो, स्पेशली अगर आप फेमिनिन हो और आप जॉब कर रहे हो, आपको लगेगा कि शायद ये आपके पैसों के लिए आपके पीछे है या आपको चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा. रियलिटी इज़ नॉट हाउ यू आर परसीविंग ऑफ इट टू बी. लेट मी टेक वन कार्ड टू आस्क द क्वेश्चन, क्या ये पर्सन फाइनेंशियली अच्छा होगा, हाँ या ना? मेन मेल, हाँ डेफिनेटली. फाइनेंशली अच्छा होगा और आपकी शादी इस इंसान से डेफिनेटली होगी. मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू लिव द लाइफ दैट यू वॉन्ट टू लिव. चांसेस हैं यहाँ पर कि कोई इस इंसान का कुछ कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है जो कि आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न हो. ये कोर्ट केस ऐसा भी हो सकता है, इसकी शादी हुई है और डिवोर्स हो रहा है, या फिर इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है, या फिर कोई लीगल मैटर फंसा हो जिसमें इसको फाइनेंशियली इसकी इनहेरिटेंस का कोई मामला हो जो फंसा हुआ हो, वो भी पॉसिबल है. बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन ऐसा है जो कि फाइनेंशली बहुत सिक्योर है, इसको आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है. दे हैव देयर ओन मनी. ये इनफैक्ट आपको वो लाइफ दे सकते हैं जो आप डिज़ायर करते हो, चाहे आप फीमेल हो चाहे वो मैस्कुलिन हो. बट डेफिनेटली इट सीम्स लाइक कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशली स्ट्रांग है, लेकिन शायद दे डोंट प्रिटेंड टू बी फाइनेंशियली स्ट्रांग. उस तरह की एनर्जी ज़्यादा होगी इस इंसान की और आपको लगेगा कि शायद ही आपके पैसों की वजह से आपके साथ हैं, लेकिन आपके पैसों की वजह से आपके साथ नहीं होंगे. दे जनरली केयर फॉर यू. आप ऐसे बहुत कम लोग होंगे, स्पेशली अगर आप किसी मास्कुलिन से डील कर रहे हो और वो इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली, तो वो आपके इस इंटेंशन के साथ आपके साथ हो सकता है कि उसको आपके पैसों से भी प्यार हो, लेकिन वो डेफिनेटली आपसे भी प्यार करेगा. लेकिन कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ हिज माइंड में ये चीज़ हो सकती है कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हो और उसको वो थोड़ा लेट बैक हो सकता है आपके साथ इस रिलेशनशिप में. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. चलाइए जो द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर, बाय.